मेहमानों को देख जा। अनुषा, एक बात
जो तुम्हारे लिए जानना बहुत जरूरी है। आज जो मैं तुम्हें कहना चाहता था, लेकिन चाह के भी नहीं बता सकता। बात वही से भुवाना तक ही है। मरा सारा जला दिया, पढ़ा भी नहीं जा रहा। एक बात तो है, कोई तो ऐसा बहुत बड़ा राज है जो आयुष और मोही के बीच में है। ऐसा राज जो मोही अनुष्का को बताना नहीं चाहती और आयुष अनुष्का से छुपाना नहीं चाहता। बहुत सही रास्ते पे जा रही थी मैं, और वो रास्ता मुझे फुवाना तक लेके जाएगा। इस राज को तो मुझे जानना ही होगा। अब राज फुवाना का है तो उसका हल भी फुवाना में मिलेगा। मुझे फुवाना जाना ही होगा, पर कैसे? मेरा मोहरा किस दिन काम आएगा? चलो भुवाना चलते हैं, चाहे कुछ हो जाए इस राज को तुम्हें जान के रहूंगी। आप मुझे बुलाए मैसेज? हाँ। कहाँ लेके जा रही हैं आप मुझे? हुआ क्या है आखिर? अरे मुझे भुवाना लेके जाना होगा तुझे, वो भी आज और अभी। और क्यों मौसी जी, और ये भुवाना क्यों जाना चाहती हैं आप? अरे आयुष और मोही के राज पर से पर्दा उठाने के लिए, जो उन दोनों ने हम सबसे छुपाया है। एक सेकंड, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। अरे मैंने मुझे ना आयुष की जली हुई चिट्ठी मिली है जो मोही जला रही थी। उस चिट्ठी में लिखा हुआ है कि आयुष ने कोई बहुत बड़ा राज अनुषा से छुपाया है, वो भी मोही के बारे में। क्या बात कर रही हैं? हाँ देख बेटा, अनुषा बहुत प्यारी और सुंदर लड़की है। मैं नहीं चाहती उसका जीवन बर्बाद हो जाए। और ये भी तो हो सकता है ना कि वो ही आयुष को ब्लैकमेल कर रही हो। अब इस राज को तो हमें जानना ही पड़ेगा, लेकिन ये राज जानने के लिए हमें भुवाना जाना होगा। देखो कल को आयुष की शादी हो गई ना, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इस राज को जानने के लिए हमें उन दोनों की मदद करनी पड़ेगी। और चल भुवाना जाते। तो पहले हम लोग सबको ये बात बता देते, फिर सोच समझ के कोई कदम उठाएंगे। हम पागल है क्या तू? अगर हम सबको ये बात बताएंगे तो सावधान नहीं हो जाएंगे वो? ये बात भी सही है आपकी मौसी जी, पर सबको क्या बताएंगे? अरे तू मुझ पर छोड़। तो ये बता, एक कार का इंतजाम कर सकता है? बस क्या मौसी जी, कार क्या, आपके लिए तो हवाई जहाज भी हाजिर है। अब लंबी लंबी मत फेंको, चल। सारी तैयारियां हो चुकी हैं। बहुत अच्छा किया, कोई चिंता की बात नहीं है। मिसेस अप्पा कुलकर्णी को न्योता दिया ना? हाँ, मैंने भेज दिया। बराबर दिया ना? हाँ शायद। मौसी, पंडरपुर जाने के लिए गाड़ी का बंदोबस्त हो गया है, बस आधे घंटे में आती होगी। अबे आप जल्दी से तैयार हो जाइए। अब मैं जल्दी से ना अपने सामान पैक करती हूँ। हाँ मौसी, आप पंडरपुर जा रही हैं? हाँ। मौसी ऐसे कैसे जा सकती हैं आप? आयुष की शादी है कल। अरे आयुष की शादी है तभी तो जा रही हूँ। देखो भाई, जब से वो पंडित ने बताया है ना कि आयुष और अनुषा की शादी में विघ्न आ सकता है, तब से तो मेरी आंखों की नींद ही उड़ गई है। आयुष के लाख मना करने के बाद भी मैंने विठ्ठल भगवान के मंदिर में मन्नत मांगी थी,
कि अगर सब कुछ ठीक ठाक हो गया ना तो मैं उनके मंदिर में जाकर माथा टेक कर प्रसाद चढ़ाऊंगी। अब तक तो सब ठीक ही है, अच्छा है, अच्छा है, मगर आगे कोई विघ्न ना आए ना उसके लिए उनके मंदिर में जाकर अपने हाथों से प्रसाद चढ़ाना चाहती हूँ। जी वो सब ठीक है, लेकिन आप अकेली कैसे जा रही हो? तुम लोग इतनी क्यों चिंता करते हो मेरी? कुछ नहीं होगा मुझे, विठ्ठल भगवान है ना, वो मेरी रक्षा करेंगे। अगर आप कहो तो मौसी मैं आपके साथ चलूं, आपको साथ भी मिल जाएगा और इसी बहाने मैं भगवान जी को थैंक यू भी बोल सकता हूं कि उन्होंने मुझे मेरे और दीपा के रिश्ते की एक नई शुरुआत करने का मौका जो दिया। मौसी जी आप लोग इतने अच्छे काम से वहां जा रही हैं, तो हम लोग आपको कैसे रोक सकते हैं? मौसी आने में देर मत करना, शादी में आपका होना बहुत जरूरी है। अरे अगर मैं लेट हो भी गई ना तो शादी रुका देंगे। मौसी जी ये कैसी बातें कर रही हैं आप? ओहो मेरा मतलब था कि अरे भाई आयुष की शादी मेरे बिना होगी क्या? टाइम से पहुंच जाऊंगी। मैं अनुषा को कभी भी अपने आप से अलग नहीं होने दूंगा।
स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।